मोहतरम उस्मान सुल्तान साहिब, हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब, उनका आर्डर है और उनका आर्डर ना माना जाए तो परेशानी भी हो सकती है। उनका आर्डर है कि ना तेरे सुन्ने मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर पेश करें, तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश करके जा चाहूँगा। दो तीन अशआर उर्दू में और दो तीन पंजाबी में पढ़ूंगा। वो माही फरोजा शायर आका अलैहि सलातो वसलाम की शख्सियत के लिए तशबीह दे रहा है। नैयर ताबा वो माहे फरोजा, वो नैयर ताबा, मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा का पता चलना चाहिए। जब मैं इशारा करूं आप मेरे साथ कहेंगे मेरा मुस्तफा है। वो माहे फरोजा वो नैयर ताबा, मेरा मुस्तफा है, मेरा आवाज बहुत कम है, मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा तो क्या तूने देखा वो आना वो जाना के हैरत में है अब तलक ये जमाना, के हैरत में है अब तलक ये जमाना, वो रब का बुलाना तो सब को बताना, वो रब का बुलाना तो सब को दिखाना। क्या बुरा दबा से ये जो आ रहा है मेरा मुस्तफा है, ये जो आ रहा है मेरा मुस्तफा है, वो माहे फरोजा वो नैयर ताबा। और मेराज की रात मस्जिद अक्सा में आकर इस्लाम उस्लाम पहुंचे तो मंजर क्या, मेरे पास आओ दिखाओ मैं तुमको वो अक्सा की मस्जिद का पुर कैसे मंजर, वो अक्सा की मस्जिद का पुर कैसे मंजर, वो नबियों के जुर्मन में सरताज बन कर, वो नबियों के जुर्मन में सरताज बन कर, जो आगे खड़ा है। ये मसलक अहले हदीस की सदाकत पे मबनी शेर है कि जहां पे आका अलैहि सलातो वसलाम मौजूद हो कोई भी मुसल्ला इमामत पे खड़ा नहीं हो सकता, और यही मंजर मस्जिद अक्सा में है। जरा तवज्जो से उस इमाम फरमाए और आकर पे बुलंद आवाज से सामने मिल के कहना मेरा मुस्तफा है। और ये आखिरी शेर है, आपकी आवाज से मुझे पता चलेगा किसको आका अलैहि सलातो वसलाम से कितनी मोहब्बत है। मेरे पास आओ दिखाओ मैं तुमको वो अक्सा की मस्जिद का पुर कैसे मंजर, वो अक्सा की मस्जिद का पुर कैसे मंजर, वो नबियों के जुर्मन में सरताज बन कर, वो नबियों के जुर्मन में सरताज बन कर, जो आगे खड़ा मुस्तफा है, जो
आगे